बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही खूबसूरत पैटर्न। ये आप अपने ट्राउज़र पे बना सकती हैं, शर्ट के दामन पे बना सकती हैं, स्लीव्स पे बना सकती हैं। उसके लिए दो हमें कपड़े की बिल्कुल इक्वल लेंथ की और इक्वल विड्थ की दो स्ट्रिप्स चाहिए। मैंने एक एक इंच की ली है, उसको दोनों साइड से सिलाई लगा के जोड़ दी है। ये देखिए, सारी स्ट्रिप को आपने इसी तरह से जोड़ देना है। उसके बाद हमने इसको सीधा करना है। सीधा करने के बाद अच्छी तरह से प्रेस करना है। ये देखें, मैंने इसको सीधा कर लिया है, प्रेस कर लिया है दोनों साइड से। अब हम इसका डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, थोड़ी सी पहले कपड़े की जो है गुंजाइश छोड़नी है, उसके बाद इसको डायगनली आपने फोल्ड करना है। दूसरी साइड को इसी तरह उल्टा करके आपने डायगनली फोल्ड कर लेना है। ये देखें, दो ट्राइंगल्स बन गई है। अब थर्ड को भी इसी तरह से जो है वो डायगनली आपने फोल्ड करते जाना है, लेकिन ये ख्याल रखना है कि जो है अपोजिट साइड पे करें। ये देखें, हो गया यहाँ तक। उसके बाद जो लास्ट वाली स्ट्रिप है उसको उठा के आपने फर्स्ट वाली इसके ऊपर से लेके आना है, ठीक है। ये देखें, इस तरह से ये क्यूब बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ऊपर से यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन रख के यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ देखें, मैंने कट करने के बाद इसको क्या किया, पेपर पर इस तरह से अटैच कर दिया। दरमियान में मैंने एक ट्राइंगल बनाई है, एक ये वाला जो मैंने क्यूब बनाया था, यहाँ पर इसको स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है। ये लगाया है और इसके बाद यहाँ पे पेपर पे मैंने ये लाइन लगाई है, इसलिए ताकि इसकी जो हमारे पास क्यूब्स हैं, ये ट्राइंगल्स हैं, ये बिल्कुल इक्वली जो है स्पेस्ड हों। ये देखें, ट्राइंगल्स के नीचे लाइन लगाई हुई है और पेपर के हिसाब से मैंने ये जो स्क्वायर्स हैं ये लगाए हैं, ठीक है। ये देखें, पेपर पर लगाने से ये होता है, एक तो नीटनेस आती है, दूसरा ये है कि डिस्टेंस आपका जो है वो बिल्कुल इक्वल आता है, ऊपर नीचे जो है डिज़ाइन नहीं होगा। ये बिल्कुल एक लेस की तरह बन गया। अब आप इसको अपनी शर्ट पर और या बाजुओं पे या ट्राउज़र पे जिस तरह से भी आप इसको अटैच कर सकते हैं। और ये देखें, मैंने शर्ट कंप्लीट कर ली है, ठीक है। इस तरह से मैंने अपनी शर्ट के दामन पे ये लगा लिया। अच्छा, मैंने इसको जो है वो पाइपिंग के साथ अटैच किया हुआ, इसके नीचे पाइपिंग लगाई हुई है ताकि इसके जो है वो नीचे से रफनेस ना लगे। पाइपिंग आप लगा लें, आप कोई भी सिंपल कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और लाजमी कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।